तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लैंडिंग पेज क्रिएशन के बारे में। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना दी है लैंडिंग पेज के बारे में, बट आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको लैंडिंग पेज समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज जब भी आप एड यूज करोगे तो वहां लैंडिंग पेज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज के बिना कोई भी एड आई थिंक 99% एड में बोल सकता हूँ नहीं रन होते हैं। लेट्स गो। So my name is T and you are watching Online Money as usual। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके, आपके डेस्कटॉप पे मिल सके और आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल सके डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और यहां पर एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है अपना 9th पार्ट। और जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज एक एड की जान होती है। मतलब अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छा एड बना ले रहे हो, लोग उस पर आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं और वहां से वो बाहर चल जा रहे हैं, मतलब वापस कहीं और चल जा रहे हैं, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, बहुत बड़ा एक पंगा है कि आपका जो एड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर एड काम का ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है एड चलाने का, राइट। तो लैंडिंग पेज पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, टाइम लगाना है और उसको बहुत अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करना है। तो मैंने बहुत बार बताया है कि लैंडिंग पेज में कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो होती है, लाइक हुक, स्टोरी एंड ऑफर। हुक, स्टोरी एंड ऑफर, मतलब पूरे लैंडिंग पेज में आपको यही देखने मिलेगा कि एक हुक है, फिर स्टोरी है, फिर ऑफर है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, लाइक ये है गूगल एडवर्ड का लैंडिंग पेज। आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल इसको फ्रेम किया गया है, लाइक ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स। एक लाइन में बताया जा रहा है कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो इसके हेल्प के द्वारा। किसके हेल्प के द्वारा? गूगल एड्स के द्वारा। तो एक लाइन में लोगों को बता दिया गया क्लियर एंड कट कि ये इस चीज की चीज है। अब इसका जब भी कोई एड लगाएगा तो बंदा इस पे आएगा, हाँ भाई पहला लाइन पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा हाँ कि मैं इससे अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो कर सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर कॉल टू एक्शन है, यहाँ पर प्री फ्रेमिंग की गई है, ठीक है। प्री फ्रेमिंग जो होती है, मतलब एक छोटा सा लाइन लिखा जाता है और इसको आप बोल सकते हो कि थोड़ा एलोबरेट भी किया है, मतलब थोड़ा डिटेल में बता भी दिया है। और प्री फ्रेमिंग मैं बताऊंगा आगे क्या चीज है, लेकिन ये प्री फ्रेमिंग ही है, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल टू एक्शन, CTA। बहुत सारे लोगों को पता होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग में हो, इंटरनेट मार्केटिंग में हो, तो अगर आप इसमें हो तो आपको पता होगा CTA क्या चीज है, कॉल टू एक्शन क्या चीज है। फिर उसके बाद एक और हेड है जिसमें लिखा गया शो अप व्हेन पीपल सर्च फॉर व्हाट यू ऑफर। मतलब कि डायरेक्टली आपको कहा जा रहा है कि जब भी कोई गूगल में कुछ सर्च करेगा, मतलब जो आप ऑफर प्रमोट कर रहे हो, तो आपका ऑफर वहां पर शो करेगा ऊपर में, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया। तो ये क्या है, एक लैंडिंग पेज जो बता रहा है एक प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं बता दिया कि लैंडिंग पेज भाई ऐसा होता है, बट ये लैंडिंग पेज बनाते क्यों, यूज क्यों करते हैं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब क्या होगा, देखो मैं किसी स्टोर में जाता हूँ जहां तरह तरह की बहुत सारी चीजें बिकती हैं, राइट। बट अगर मैं उस स्टोर में जाता हूँ और वहां पर मुझे बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, बहुत सारा चीज, कहीं कपड़ा, कहीं टी शर्ट, पैंट शर्ट, कोट, हर कुछ वहां मिल रहा है, बट मुझे तो सिर्फ कोट चाहिए, क्या चाहिए, कोट, ब्लेजर चाहिए, बट यहाँ बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मैं सिर्फ कोट लेने आया हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं और यहां से रिटर्न वापस चले जाऊं। और ऐसा भी हो सकता है अगर मेरे पास टाइम है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं वापस कहीं और चल जाऊंगा जहां सिर्फ मुझे कोट और ब्लेजर मिल रहा है, राइट। और इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, हो सकता है मैं इन चीजों को भी ले लूं, बट हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि मैं भाई कोट या ब्लेजर खरीदने जा रहा हूं तो मुझे डायरेक्ट वही चाहिए, राइट। मैं यहाँ कंफ्यूज हुआ तो मतलब मैं वापस, कस्टमर रिटर्न हो गया, ठीक है, एक गार्बेज फॉर्म आप इसको बोल सकते हो, कंफ्यूजिंग फॉर्म बोल सकते हो कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो जहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही क्या होता है, स्टोर पे जब आप एफिलिएट करते हो तो वहां बहुत सारी चीजें सेल करते हो, बट वहां पर जब आपका कस्टमर आपके एड के थ्रू, मतलब ये जो आप एड चला रहे हो इसके थ्रू, जब ये इंटरनेट से कोई कस्टमर आपके यहाँ पर आता है तो उसको एक साफ सुथरा प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा सा काम करता है, वो सिर्फ एक पेज में रहता है, देन वो क्लिक करता है
और वो उस मेन सॉफ्टवेयर जो है उसके पेज पे जाता है और वहां उसको पसंद आता है तो वो परचेस करता है। बट अगर मैं इसी पेज पे जो लैंडिंग पेज है अपना यहाँ वाला, यहाँ पे मैं अलग अलग तरह के 3-4 प्रोडक्ट लगा देता हूँ, तो ऐसा चांस है कि जब ये जो चीज, ये जो बंदा है, जो भी कस्टमर है मेरा, वो यहाँ पर आएगा और देखेगा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं और वो कंफ्यूज हो सकता है और वो वापस जाएगा, तो क्या होगा कि जो विनिंग रेट है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसीलिए लैंडिंग पेज का यूज किया जाता है। साफ सुथरे बताया जाता है कि भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो लो वरना जाओ। और क्या होता है, जब हम ऐड लगाते हैं तो वेल टारगेटेड होते हैं, मतलब कि जो हम कस्टमर बुला रहे हैं भाई वो हमारे कस्टमर हैं, वो हमारे मेन कस्टमर हैं, टारगेटेड कस्टमर हैं, तो चांस ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बट अगर हम यहीं 4 तरह का प्रोडक्ट दिखाएंगे एक कस्टमर को जो वेल टारगेटेड नहीं है, जिसको एक चीज चाहिए बट वहां हम 4 चीज दिखा रहे हैं, तो कन्फ्यूज हो जाएगा और वो वहां से चला जाएगा। तो इससे हमारा विनिंग रेट भी कम होगा। इसलिए ही हम इस चीज का यूज करते हैं, हम लैंडिंग पेज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखाया आपको गूगल एडवर्ड्स का लैंडिंग पेज, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ बिल्डर का लैंडिंग पेज। बहुत ही ज्यादा सिंपल, यहाँ देखो लिखा है बिल्डर और ये क्या करते हैं ये भी डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन, और उसके बाद इनका कुछ सोशल प्रूफ एंड अपने बारे में बताया गया है कि भाई हम ये सर्विस देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाई और एडवांटेज हर लैंडिंग पेज में आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप एज अ स्टोरी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी चीजें बता रहे हैं भाई, अपना सोशल प्रूफ दे रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको ये बता रहे हैं, अपनी फैसिलिटी बता रहे हैं, एंड लास्ट में आपको थोड़ा सा ये गारंटी देते हैं और ऑफर करते हैं, राइट। और हर जगह एक चीज आपको मिलेगी, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देखो, हर जगह कॉल टू एक्शन आपको मिलेगा। कॉल टू एक्शन क्यों? क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो ये है कि कन्वर्जन, राइट। उसके बाद आपको दिखाता हूं ई कॉमर्स शॉपिफाई का लैंडिंग पेज, बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं। ये भी लिखा हुआ है सामने, बिल्ड योर बिजनेस। क्या, जैसे कि कोई भी शॉपिफाई में आया, शॉपिफाई ई कॉमर्स एक बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है कि भाई आप अपनी चीजें आओ और यहाँ पर ऑनलाइन बेचो, अपना स्टोर क्रिएट करके, ओके। तो यहाँ पर सिंपल सा इनका लैंडिंग पेज है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिल्ड योर बिजनेस, राइट। फिर उसके बाद ईमेल मांग रहे हैं, कॉल टू एक्शन मांग रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद अपने बारे में बताया गया है, स्टोरी एंड स्टोरी एंड स्टोरी, और CTA का यूज किया गया है, कॉल टू एक्शन, जिसको आप बोल सकते हो ऑफर, स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी विद शॉपिफाई, या इनका ऑफर जो मैं हमेशा बोलता हूँ हुक स्टोरी एंड ऑफर। हुक है स्टोरी एंड ऑफर के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे जाओ वीडियो के सेक्शन में, इसी चैनल पे आपको पता चलेगा कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, वहां मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, ठीक है। यहाँ को सोशल प्रूफ की ये इनके साथ हम भाई कोलैब भी करते हैं, ठीक है। इतना जो ब्रांड्स है नीचे आपको दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद एक और आपको दिखा देता हूँ, यह है एप्पल का लैंडिंग पेज, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हेडलाइन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, ठीक है। क्या लिखा है, प्रो कैमरास प्रो डिस्प्ले प्रो परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आईफोन ऊपर लिखी दिया है, फिर उसके बारे में बताया कि भाई हमारा जो कैमरा है वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, डिस्प्ले भी हमारा नेक्स्ट लेवल का है और परफॉर्मेंस भी हमारा नेक्स्ट लेवल का है, और यहाँ पर प्राइस और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंडिंग पेज में, और बहुत ज्यादा सिंपल लैंडिंग पेज होना चाहिए। अभी तक मैंने जो भी आपको लैंडिंग पेज दिखाया वो बहुत ही ज्यादा उम्दा और एक अच्छे लेवल का लैंडिंग पेज है, बहुत ज्यादा सिंपल, ताकि जो भी कस्टमर्स आए वो बाय करें, वो कन्वर्जन करें और इनको फायदा हो, इसलिए ये बहुत ज्यादा सिंपल लैंडिंग पेज बनाते हैं। उसके बाद आपको कुछ और लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पर आपको अलग अलग बहुत सारे अलग अलग दिखेंगे जो लोग एड लगा के रखे हुए हैं अलग अलग मार्केटिंग एजेंसी। इसको अपन ओपन करते हैं, एक दो को ओपन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का लैंडिंग पेज बनाते हैं, ओके। सो जस्ट ये ओपन हो रहा है, देन मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ एजेंसीज का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन किया है। देखो ये एक लैंडिंग पेज नहीं है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, डायरेक्टली वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं। वेबसाइट में क्या होता है, देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो चांस ये रहता है कि जो भी आपका कस्टमर आएगा वो इधर उधर कन्वर्ट कर इधर उधर क्लिक करेगा और वो कन्वर्ट नहीं होगा और वो आपके वेबसाइट से बाहर चले जाएगा, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया है वो डायरेक्ट उडमी का कोर्स है जो बंदा सेल कर रहा है, ये भी एक लैंडिंग पेज नहीं है, इसलिए इसका भी सेलिंग का चांस उतना नहीं है, राइट। और उसके बाद एक और जो मैंने ओपन किया है ये भी एक लैंडिंग पेज नहीं है, ये भी एक वेबसाइट है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं और नीचे, सो एक फर्स्ट वाला देख लेते हैं ये कैसा लैंडिंग पेज है। हाँ, तो ये एक लैंडिंग पेज है देखो डायरेक्ट, और ये एक लीड फॉर्म पेज है आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर नेम और सारी चीजें आपको फिल करनी है एंड देन सेंड पे क्लिक करना है। ये भी एक लैंडिंग पेज है, बहुत अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बोलूंगा मैं इसको, बिकॉज आप डायरेक्ट किसी का भी जो डाटा है उसको नहीं मांग सकते, नहीं कलेक्ट कर सकते, राइट। यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो
एजेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा ये सब के बारे में नहीं सोचती हैं, उनका लीड अच्छा जनरेट नहीं होता, बस पैसे पे पैसा उड़ा जाते हैं, बिकॉज ये खुद का पैसा नहीं लगाते हैं, ये अब जो उनके कस्टमर्स आते हैं वहां से पैसा बचाते हैं और वो पैसा यूज करते हैं, तो ये ज्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं। बट आप जब एज अ इंडिविजुअल जब आप किसी के लिए काम करोगे तो वहां आपको ज्यादा ज्यादा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है, क्रिएटिव बनना है, और गूगल एड्स के जैसे बिल्डर और शॉपिफाई आईफोन के जैसे आपको ऐसा लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। बिलीव मी, लैंडिंग पेज एक ऐसी चीज है जो 99% आपका काम करके दे देता है, और उसके बाद 1% जो होता है वो आपका कन्वर्जन होता है, और वो होता ही है अगर आपका लैंडिंग पेज बेस्ट है। तो इस प्रकार के होते हैं लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज को बना सकते हो आप वर्डप्रेस में, जो मैं बोलूंगा बेस्ट नहीं है, बिकॉज वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने के लिए, वहां पर आप एक नेक्स्ट लेवल का लैंडिंग पेज नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, उसके बाद आता है लीड पेज, उसके बाद आता है क्लिक फनल, बिल्डर। बिल्डर मैं अभी यूज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा चीप है, ठीक है, मुझे वो पड़ जाता है $69.9 में। अगर आप भी यूज करना चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीप है, मतलब बहुत सस्ता है, सब जितने भी आते हैं बहुत ज्यादा चीप है, और बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है, लाइक आपको ईमेल कलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाता है, लैंडिंग पेजेस को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाता है, मतलब पूरा ऑल टोटल की मैंने यहाँ दिखाया ना इसका एक लैंडिंग पेज, तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डाल देता हूँ, आप चेक कर सकते हो, 7 डे फ्री ट्रायल का लिंक है, आप उसको चेक करो और ज्वाइन करने की कोशिश करो, बाय करो इसको, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ये पूरा ऑल इन वन है। ऑल इन वन मतलब कि हर वो चीज जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको जरूरत है, सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज को बनाने की, SMS भेजने की या स्क्रिप्ट जनरेट करने की, फेसबुक चैटबॉट की, यहाँ पढ़ सकते हो, फनल बिल्डर की या लैंडिंग पेज बनाने की, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, हर कुछ, मतलब हर कुछ, मैगजीन बनाने के लिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वीडियो रेफर करने के लिए, क्लिक ट्रैकिंग के लिए, CRM के लिए, ये मतलब हर कुछ वो चीज जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें इस एक टूल में है जिसका रेट $69.9 है, और 7 डे इसका फ्री ट्रायल है, मैं नीचे दे देता हूँ लिंक, आप उसको क्लिक करो और ज्वाइन कर सकते हो, खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछो, इस वीडियो को लाइक करो, और मुझे एक चीज और बताओ कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक लैंडिंग पेज, पूरा एक लैंडिंग पेज मतलब बना के दिखाऊं पूरा बिल्डरल पे, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।